Learners, this is Ajit Singh. Welcome to Trident Maths. जहां हम सीखेंगे मैथ्स को सबसे आसान तरीकों से तो लेट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और जो आईसीएससी बोर्ड के नाइन्थ क्लास में आ जाता है लॉगरिथम और जबकि अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो ये टॉपिक हमें सीधे अलेवेंथ क्लास में ही पढ़ने को मिलता है

एट तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है बड़ी आसानी से आप बोल सकते थे इसको अगर हम टू की पावर थ्री लिखते हैं और हम कंपेयर करा के देखते हैं तो हमें हम एक एक्स मिलेगा थ्री बिल्कुल सही बात है अगर मैं लिखता थ्री की पावर एक्स इक्वल एट्टी वन तो यहां से भी हम कंपेयर करा देते हैं तो ये थ्री की पावर फोर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स इक्वल फोर बिल्कुल सही है अब अगर यहीं पे आपको अगर ऐसे लिख देता कि टू की पावर एक्स इक्वल टेन अब बताइए x क्या होगा? नॉर्मल हर बच्चा जाएगा पे जिसने लॉगरिथम पहले नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही अजीब सी बात हो गई पावर में जब ऐसे केसेस में आप आगे फंसते हैं कि आप पावर्स की वैल्यू नहीं बता पा रहे तब हमारा यूज हुआ लॉगरिथम अब लॉगरिथम का काम क्या है इसमें जो एक्स आएगा वो आएगा लॉग ऑफ टेन बेस टू एक्स की वैल्यू ये हो गई इसका मतलब आपको ये बात तो समझ आएगी होगी यहाँ देख के कि क्या है लॉग क्या है लॉग एक्चुअल में जो पावर है उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है लॉग एक्चुअल में क्या है पावर जो है वो उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है तो हम यहाँ से लिख सकते थे जो पावर है वो इधर आ गई लॉग लिखा आपने जो आंसर आ रहा था वो यहाँ हो गया और बेस तो वैसे भी अभी यहाँ भी बेस टू ही है

नहीं हो इंटीजियर रियल नंबर काफी है अदर देन वन के अलावा कोई भी रियल नंबर चलेगा यहां पे, एंड ए रैशनल नंबर एक्स मतलब जो ये आया ओके तो सच दैट ए की पावर एक्स इक्वल एन देन एक्स इक्वल लॉग ऑफ एन पीस ए यह बात हो जाएगी हमारे पास एक्स के बारे में तो यहाँ हमें समझ आया है कि लॉग जो है वो क्या है हमारा एक्स की वैल्यू को डिफाइन करता है यानी कि किसी भी नंबर की पावर को डिफाइन करता है, अब इसमें भी कुछ अपने है कुछ के कुछ हमारा ठीक है ना तो जैसे एक्सपोनेंट में कुछ अपने रूल्स होते थे कि बेस सेम होता है मल्टीप्लाइड होते हैं तो पावर्स एड हो जाती है वैसे यहाँ लॉक के भी कुछ रूल्स हैं तो आइए देखें वो क्या रूल्स हैं हम ये सभी लिख लिया होगा चलिए अब बात आती है लॉग के रूल की ठीक है तो फर्स्ट रूल क्या आएगा हमारा तो हम अगला पॉइंट आएगा जो तो हम यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं कि फंडामेंटल लॉस ऑफ लोअर्थ तो फर्स्ट जो आता है हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर लॉग ए एम इंटू एन है मतलब बेस ए है और ये नंबर हमारा एम इंटू एन है तो ये डायरेक्टली आ जाता है लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए ये बिल्कुल वही है जैसे पावर सेम होते हैं तो मल्टीप्लाइड होता है तो ऐड होते हैं तो एक्चुअल में पावर ही तो है तो ये हाँ ऐड हो जाता है दूसरा रूल क्या हो गया जब बात आती है डिवाइड की कि लॉग एम डिवाइडेड बाई एन है यहाँ भी तो ये आप लिख सकते हो लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन क्योंकि ये रूल से याद करने जरूरी है आगे के क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड होंगे इसके बाद तीसरा रूल जो आएगा वो आ जाएगा लॉग ए और एम की पावर एन तो ये हो जाएगा एन टाइम्स एन पावर जो है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बन जाएगा लॉग एम बेस ए सेम यहीं से एक रिलेट करते हैं हम फोर्थ कि अगर हमारे बेस की कोई पावर है ठीक है ना अगर बेस की पावर एन होता तो ये हो जाते वन अपॉन एन जो बेस की पावर होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है ए एम ओके इसके बाद की अगर लॉग ए बी से नंबर और बेस सेम आएगा तो अब आंसर वन आएगा अब इसको देख भी सकते हैं अगर एक्सपोनेंट में देखें जाए इसको जरा तो वो कैसे होगा देखो तो ए की पावर वन इक्वल ए ही तो आएगा क्योंकि देखो तो ये क्या होता है ये जो लॉग का वैल्यू आता है ये पावर ही तो होता है तो इसको चेंज कैसे करते हैं हम सिंपल है एक बेस की पावर जो बेस है उसकी पावर आ जाता सामने वाला रिजल्ट और जो नंबर था वो सामने हो गया तो ऐसे एक बार वन इजल टू ए इसको वापस लॉग में चेंज करो यानी कि बेसिक हमें वो लॉग एक्सपोनेंट से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंट चेंज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ तो हम क्या लिखेंगे एक्स इक्वल लॉग बी बेस ए देखो बी अभी भी वही है एक्स यहाँ आ गया बस बेस ही लॉग के साथ नीचे आ गया तो सेम हम इसको हुआ वैसा उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर इससे यहां आना है तो क्या करेंगे जो बेस है उसकी पावर ले गए एक्स को और सामने जो बी है अभी भी भी वो अपनी जगह पे है। तो ये आ गया यहाँ पे अब इसी से एक दूसरा रूल भी आया वो क्या है कि लॉग वन बेस ए अगर वन है तो ये ऑलवेज जीरो ही आएगा तो यहाँ से देख भी सकते हो ए की पावर जीरो वन होता है तो ये हमारा वो रॉग फिर रूल आया और क्या है वो भी देख लेते हैं तो सिक्स तो यही हो गया हमारे पास इसके बाद क्या होता है बेस चेंज फार्मूला वो क्या बोला जाता है देखिए उसको भी कि अगर लिखा हो लॉग बी बेस ए तो इसको आप जरूरत पड़ने पे एक नए बेस के साथ लॉग सी बी डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस सी ये सी अपने आप से कोई भी नंबर आ सकता है ठीक है ना इसको बेस ये बहुत ही जरूरत पड़ता है आगे कई क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए ओके okay. तो यहीं से एक और भी आ जाता है रूल हमारे पास क्या कि लॉग ए बी इक्वल वन अपॉन लॉग ए बेस बी अगर इनको आपस में इंटरचेंज करोगे तो ये आपस में रिसिपेबल हो जाते हैं एक दूसरे के ठीक है ना ए की पावर लॉग एन बेस ए है तो ये एन के इक्वल होगा ये पैटर्न याद रखना आपको जैसे अगर क्वेश्चन की बात करूं अगर एग्जाम्पल लेता हूं इस फॉर्मूले के लिए टू की पावर लॉग थ्री बेस टू है तो ये थ्री के इक्वल होगा ओके okay. इसके बाद कुछ और है हमारे पास थोड़े से अलग हैं अटके वो क्या हैं देख लेते हैं उन्हें भी हम कि अगर यहीं लिखा हुआ है पी की पावर लॉग q बेस a तो इक्वल हो जाएगा ये क्यू की पावर लॉग पी बेस ए ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ये पी है। ये है आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे ठीक है ना एग्जाम्पल के लिए अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो अगर कहीं लिखा होता टू की पावर लॉग थ्री बेस फाइव तो ये हो जाता थ्री की पावर लॉग टू बेस फाइव ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ठीक है ना और एक और वो क्या है हमारे पास क्योंकि भी। तो भी हमें याद करनी जरूरी है अगर ये याद होगी तो आगे के क्वेश्चन बहुत फास्ट हो जाएंगे और बहुत आसान हो जाएंगे बेसिक देखो यही है मोस्टली ये सब प्रूविंग इसी लॉजिक से आएंगे ये प्रूव करने के लिए यही कॉन्सेप्ट लगेगा लेकिन ये सब हमें पता होना चाहिए तो लास्ट है हमारे पास कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि लॉग x बेस a इक्वल लॉग y बेस a तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x इक्वल y a, ये कंपेयर करके भी बताया जा सकता तो है तो ये हमें पता होना चाहिए ठीक है ना तो आपने देखा इतने रूल्स हैं हमारे लॉग के जिसकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आइए अब एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे हम इन्हें अप्लाई करते हैं तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थ्योरी के नाम पे लॉग में इतना ही है इसी पे बेस्ड सारी चीजें आएंगी ठीक है ना तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं लॉग का तो वो कुछ बड़ा सिंपल से लेते हैं स्टार्ट करते हैं कि ए ए लॉग ऑफ ऑफ बेस फाइंड द वैल्यू ठीक है तो देखो क्या हुआ अब ये निकालना है तो सबसे बात हमें वो पता होना चाहिए एक्सपोनेंट से लॉग और लॉग से एक्सपोनेंट तो हम सकते क्या है है और जो लॉग होता है वो क्या होता है पावर की वैल्यू और सामने क्या आ आ जाएगा जाएगा ये तो तो बस यहां से है हो जाता है? तो हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ गया क्लियर हुआ तो ये तो फर्स्ट हो गया सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं लिखा हुआ है थ्री की पावर टू माइनस लॉग फाइव बेस थ्री अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है ठीक है ना तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसको सबसे पहले तो हमें ये देखो पावर निगेटिव है तो हम क्या लिख सकते हैं ये ये हो जाएगा हमारा थ्री की पावर टू मल्टीप्लाइड थ्री की पावर माइनस लॉग फाइव बेस थ्री ठीक है ना अब ये कितना हो गया ये तो हो गया नाइन अब ये जो माइनस पावर है तो जो हमारे पास एक रूल है कि क्या कि अगर पावर होती, होती है तो सेम उल्टा भी तो बोल सकते हैं अगर आगे कोई नंबर हो तो उसकी पावर क्या रहता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे थ्री की पावर लॉग फाइव की पावर माइनस वन फेस थ्री ये माइनस वन कहा से आया हमारे पास क्योंकि एक रूल है ये साइड में हम लिख सकते हैं क्या कि एम की पावर एन बेस से तो ये हो जाता है एम मल्टीप्लाइड लॉग ए एम तो ये चीज ये भी हो सकती थी ऐसे उल्टा बोल सोच सकते हैं इस इसको तो ये आ गया अब डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग मल्टीप्लाइड कितना बचेगा फाइव की पावर माइनस वन अब आपको हो कैसे क्योंकि एक रूल लिखाया है है मैंने वहाँ पीछे आप देख सकते हो कि ए की पावर लॉग बी बेस ए है तो ये सीधे बी के इक्वल हो जाएगा ठीक है ना तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास नाइन बाई फाइव क्लियर हुआ तो देखो रूल पता है तो ये बहुत आसान सा है तो ये रूल पता होना बहुत जरूरी है तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगने वाला कितना कितना सिंपल आंसर आ गया इसका ठीक है चलिए हम थोड़ा आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं तो अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पास है लॉग 125 base 25 minus log 4 base 8 अब इसे सिंपलीफाई करना है ठीक है ना इसकी वैल्यू फाइंड है कि ये क्या हो सकता है फाइनली तो ये देखते हैं तो देखो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं सॉरी 25 को लिखते हैं 5 को 2 ट्वेंटी 125 को लिख सकते हैं 5 3 तो हम लिख देते हैं तो देखो यहाँ हो जाएगा फाइव की पावर टू एंड फाइव की पावर थ्री माइनस लॉग टू की पावर थ्री माइन सॉरी एंड की पावर ठीक है ना अब देखो ये क्या बन जाएगा मैंने क्या बताया था कि अगर बेस की कोई पावर है तो वो डिनोमीटर में आ जाती है और जो नंबर की पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाइड हो जाती है ये बेस की पावर डिवाइड होती है और नंबर की पावर मल्टीप्लाइड होती है और यहां बचेगा लॉग फाइव बेस फाइव सेम यहाँ ये जो थ्री नीचे आएगा क्योंकि ये बेस की पावर था और नंबर बाद टू है वो ऊपर रह जाएगा और ये बचेगा हमारे पास टू लॉग टू अब देखो तो लोग सोच रहे होंगे कैसे आगे? मैं रूल लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर होगी बात कि एक रूल था हमारे पास क्या कि लॉग अगर ए की पावर एन है और बी की पावर एम है तो वो एक साथ आप लिख सकते हो वन अपॉन एम अपॉन एन इक्वल ये होता है अब यहां से क्या हो गया यहाँ डायरेक्टली ये बचा थ्री बाई टू माइनस टू बाई थ्री रीजन क्योंकि हमको पता है कि लॉग ए एन होता है तो इससे क्या हो जाएगा ये फाइव फाइव वन हो गया ये टू टू वन हो गया तो थ्री बाई टू इंटू वन थ्री बाई टू टू बाई थ्री इंटू वन टू बाई थ्री और इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो डिनोक्टेड होगा तो ये सिक्स हो जाएगा और यहाँ बचेगा नाइन माइनस फोर तो फाइनल आंसर आ जाएगा फाइव बाई को तो एक एक स्टेप देखो आप बड़े आसान से क्वेश्चन है और यहां से आंसर आ जाता है चलिए एक दो क्वेश्चन अच्छे और कर लेते हैं हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एफ टू लॉग एक्स बेस फोर इक्वल है वन प्लस लॉग एक्स माइनस वन बेस फोर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ये हमें निकालना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये गिवन है ठीक है ना तो आइए हम जरा अपने गिवन पे फोकस करते हैं तो ये हमें गिवन है तो स्टार्टिंग तो, तो हमें यहीं से करनी पड़ेगी तो देखो अब क्या होगा जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहला ये आगे मल्टीप्लाइड वो पावर में आ जाता है तो यहां से आ जाएगा लॉग फोर एक्स की पावर टू ठीक है ना और यहाँ सामने कितना हो जाएगा हमारे पास अब देखो ये इधर जाके इधर सॉल्व कर लेते हैं अब देखो वन को क्या लिख सकते हो आप लॉग फोर फोर जरूरत पड़ने पर आप कभी भी बेस में सेम लिख सकते हो फोर क्यों लिया क्योंकि दोनों में देखो बेस फोर है तो इसलिए हमने वन को हम फोर फोर लिख सकते हैं क्योंकि हम इसे भी देख चुके हैं इस बात को क्या कि कहीं भी अगर वन है तो आप उसे लॉग बे से ए लिख सकते हैं लॉग तो ए बेस से लिख सकते हैं इसको ये और इसको ये तो ये हमने यहां पे लिख दिया अब ये कितना हो जाएगा ये ऑलरेडी आज पता लॉग फोर एक्स माइनस वन अब देखो यहां तो जो लिखा है अभी उसको वही लिखा कोई बात नहीं इधर देखो जब एड होते तो क्या होता है फर्स्ट रूल हमारा कि एड होते हैं तो मल्टीप्लाइड होता है नंबर अब बेस बराबर होना चाहिए बेस बराबर है बिल्कुल पे तो ये हो जाएगा फोर यहाँ रह गया और ये हो जाएगा टाइम्स ठीक है ना अब कंपेयर कर दो तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि अगर बेस बराबर है तो सबसे लास्ट वाला तो हम डायरेक्टली कंपेयर करके लिख सकते हैं यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर इक्वल फोर एक्स माइनस फोर सब एक तरफ लेते हैं यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो तो हमें पता है कि ये क्या माइनस टू का होल तो यहां से पास आंसर क्या जाएगा एक्स इक्वल टू तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्लियर ठीक है ना चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं तो क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके से है कि वैल्यू ऑफ लॉग बेस टेन है यहां पे फाइव लॉग बाबा से बेस टेन 10 है हंड्रेड है और फिर होल पावर टू है यह हमें सिंप्लीफाई करना है इसकी वैल्यू well फाइंड करनी है तो देखो सबसे पहली बात एक बात समझ लो आप कि कहीं भी अगर बेस ना भी लिखा हो जैसे अगर ऐसे लिखा लॉक टेन तो जब बेस कुछ भी नहीं लिखा होगा ना तो आप वहां पे टेन मानोगे ये है लॉक का कॉन्सेप्ट है सिर्फ लॉक टेन लिखा है या लॉक फोर लिखा है बेस नहीं दिया तो वो हमेशा टेन लिया जाएगा तो इसके इसमें ये टेन टेन हो जाता है जब बेस बराबर हो जाता है नंबर के तो ये आ जाता है डेगलिव वन तो हमें पता होना चाहिए लॉक टेन की वैल्यू वैल्यून होती है ठीक है ना तो ये यहां हम से अगर हम देखें सबसे पहले हम हंड्रेड को क्या लिख सकते हैं टेन की पावर टू तो हम यही अंदर से सॉल्व करेंगे अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हुए बाहर तक आएंगे तो जिस तरीके से तो देखा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि लॉग बेस टेन तो था ये अंदर यहाँ क्या बचेगा फाइव इंटू लॉग स्क्वायर और ये होल स्क्वायर है तो यहाँ से फायदा क्या हो जाएगा लॉग टेन अपनी जगह ये हो जाएगा फाइव देखो पावर जो होती है आगे आगे मल्टीप्लाइड होती है और ये हो जाएगा लॉग टेन टेन पावर टू अभी भी है. अब देखो ये कितना हो गया वन हो गया क्योंकि हम ऊपर लिख चुके हैं बात को तो ये वन आया तो यहाँ से आ जाएगा लॉग टेन अंदर क्या बच्चा सिर्फ ये वन हो गया तो यहाँ फाइव इंटू टू टेन ही तो बचा और इसकी पावर टू तो अब वापस से देखो टेन टेन वन तो यानी कि की पावर टू, इसका इसका मतलब फाइनल आंसर जो आएगा वो वन आ गया ठीक है कितना बड़ा सा क्वेश्चन था लेकिन जब सॉल्व किया तो क्या बना सिर्फ वन बन आया हमारा आंसर क्लियर है चलिए आगे एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ड ये सभी लोग नोट कर लो ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं लॉग बेस्ट है यहाँ पे लॉग टेन और यहां आया लॉग टेन एक्स और सामने है जीरो ठीक है ना अब ये देखो इसको हम पूरा अगर बी मान लेते हैं अगर इसे हमें सॉल्व करना है हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे सिंपल है एक्स हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में तो देखो इसको हम पूरा बी मान ले तो ये क्या बन आ जाएगा अगर मैं कहता लेट जो हमारे ये अंदर वाला नंबर है बी तो ये बन जाता क्वेश्चन हमारा लॉग टेन पी इक्वल जीरो इसको जरा हम एक्सपोन लॉग पावर जो लॉग हमारा वैल्यू गिवन है उसे हम पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं पावर फॉर्म में कैसे आ जाएगा एक्सपोनेट फॉर्म में कैसे आ जाएगा टेन की पावर जीरो बी क्योंकि देखा ना ये बेस की पावर में आ जाता है लॉग की जो वैल्यू है और ये हमारा सामने आ जाता है इंटरचेंज करना आना चाहिए लॉग को कभी भी हम एक्सपोनेंट में चेंज कर सकें ये हमें सीखना है ठीक है ना क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एक बार एक्स इक्वल टू बी है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग ए बी एक्स तो इससे ये और इससे ये हमें आना चाहिए तो यहाँ आ गया इसका मतलब क्या हुआ b की वैल्यू क्या है टेनक्यूआवर जीरो यानी कि टेनक्यू आवर जीरो मतलब क्या वन इसका मतलब यहाँ वन पुट कर सकते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा हमारे पास तो ये आ जाएगा लॉग टेन लॉग टेन एक्स 1 और आप 1 को क्या लिख सकते हो log 10 10 पहले बता चुका हूं इसका मतलब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें देखो बेस बराबर इसका मतलब क्या आ जाएगा फाइनल में कि log 10x equal 10 तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा वापस एक्सपोनेंट नीचे निकालेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर 10 equal x और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया समझ आ रहा है तो देखो सबसे पहले हम जो अंदर नंबर है उसको बी मान लेंगे इसके बाद वापस से इसको लॉग से एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे जहां से हमें वी की वैल्यू वन आएगी टेन की पावर जीरो जीरो किसी की पावर है तो वन हो गया बी हमने यहाँ पुट किया अब वन को हम लिख सकते हैं सेम बेस जो जिस बेस में उस बेस के साथ नंबर को ले लो तो वो वन हो जाता है तो ये टेन टेन आ गया टेन आ गया वापस से कंपेयर किया अगर इन दोनों लॉग वाले टर्म्स को तो हमारे पास मिला कि जो ये नंबर है वो टेन के बराबर है तो यहाँ आ गया वापस से हमने एक्सपोनेंट में कर दिया ये टेन की पावर टेन इक्वल एक्स तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया तो अभी क्लियर हुआ कि लॉग के क्वेश्चन कैसे करेंगे और ये किस तरीके से डरावने से दिखते हैं लेकिन होते नहीं है वो ठीक है ना तो अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन ओके क्वेश्चन है हमारे पास क्या है कि लॉग एक एक्सप्रेशन गिवन है हमें बेस्टेन वन प्लस वन अपॉइन टू प्लस लॉग बेस्ट वन प्लस वन 3 थ्री प्लस लॉग 10 वापस से वन प्लस वन बाई फोर और ये डॉट 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 ऐसा चलता जा रहा है कब तक चलता जा रहा है लॉग बेस टेन वन प्लस वन अपॉइन वन नाइन 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 तक और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अब इतनी ज्यादा टर्म्स से लेकर तक कैसे आप करें तो चलो इसका एक ट्रिक है सिर्फ फोकस करो आप इसको इसको थोड़ा सिंपलीफाई करो इसको सिंपलीफाई करो इसको सिंपलीफाई करो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो एक पैटर्न दिखेगा इसमें क्योंकि ऐसे हम डायरेक्टली ऑब्वियसली इतने टर्म तक तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो एक पैटर्न आएगा उससे ही हमें सॉल्व होगा तो ठीक है लिख के देखते हैं जरा तो ये आ जाता है टेन और देखो हाफ वन प्लस यहाँ क्या आ जाएगा लॉग बेस टेन वन प्लस थ्री तो ये कितना फोर बाई थ्री यहाँ देखें तो ये कितना आ जाएगा थ्री बाई टू फोर बाई थ्री फाइव बाई फोर तो इस तरीके से ये सारे अगला क्या आएगा सिक्स बाई फाइव सेवन बाई सिक्स एट बाई सेवन नाइन बाई एट तो सब इस तरीके से ये फाइनल हमारे पास टू हंड्रेड बाई टू थाउजेंड बाई क्या, गया? इससे पहले वाला क्या होगा 199 19, 1998. क्लियर है कि अगर लॉग सेम बेस है और वो आपस में प्लस हो रहे हैं तो क्या हो जाते हैं वो आपस में मल्टीप्लाइड हो जाते हैं ये फर्स्ट रूल है लॉग का यहाँ भी दो कर सकते हैं तो हमारा इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा लॉक टेंथ यहाँ आ गया अंदर क्या बचेगा अब ये दो के लिए नहीं वैलिड है ये तीन चार दस हजार के लिए भी वैलिड है अगर सारे ऐड हो रहे हैं तो ऐड होता जाएगा जो माइनस है वो डिवाइड होता जाएगा ठीक है ना तो फिलहाल ये ऐड हो तो ये क्या हो जाएगा थ्री बाई टू इंटू फोर बाई थ्री फाइव बाई फोर और ये इससे डॉट 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 सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 1, 9, 9 One, one, nine, nine. अब फायदा क्या थ्री से थ्री गया फोर से फोर गया फाइव से फाइव जाएगा और ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट होते होते वन नाइन नाइन से वन नाइन नाइन जाएगा वन नाइन एट यहाँ भी ये यह जाएगा इसका मतलब यहाँ से टू थाउजेंड बचेगा और यहाँ टू बचेगा तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा लॉग बेस टेन टू थाउजेंड डिवाइड बाई टू तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग टेन थाउजेंड और वन थाउजेंड क्या होता है log टेन टेन की पावर थ्री कि थ्री आगे मल्टीप्लाइड और यहाँ log टेन टेन और ये क्या हो जाता है यानी कि क्या आ जाएगा इस का थ्री. सभी को समझ आ गया तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा ये लेक्चर और लॉग बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कैसे उसके क्वेश्चन को हमें डील करना है ठीक है ना किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कोई भी अच्छा टॉपिक आपको पढ़ना है ठीक है ना किसी ओलम्पियाड्स लेवल पे ना एन डी एस सी या आई जिस लेवल में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो तो उस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो उसी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे ठीक है फिर आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं आज का वीडियो चलो फिर ओके बाय